दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए मैं एक सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें दादाजी आप लोगों को अलग अलग एंटिटीज के बारे में खौफनाक कहानियाँ सुनाएंगे। तो इस सीरीज को मैं तभी कंटिन्यू कर पाऊँगा जब आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मेरे साथ रहेगा। तो आइए सुनते हैं गांव देहात की डरावनी कहानियाँ, एपिसोड नंबर 1। अच्छा, फिर क्या हुआ दादाजी? सूजल ने अपने दादाजी से पूछा। उसके दादाजी ने कहा, फिर उस तांत्रिक को गांव वालों ने चौराहे पर ही जलाकर मार दिया। उसके बाद उस तांत्रिक की जली हुई लाश चौराहे पर ही न जाने कितने दिनों तक पड़ी रही। वो सड़ने लग गई और कुत्ते उसे नोच नोच के खाने लगे। उसकी बदबू से सारा चौराहा बदबू से भर गया और तब उसकी लाश को कहीं जाकर फेंक आए। उसका क्रिया कर्म भी नहीं हुआ था और इसलिए मरने के बाद भी उस तांत्रिक ने गांव वालों का पीछा नहीं छोड़ा। उसकी आत्मा उसी चौराहे पर भटकने लगी। तभी अतुल बोला, उसके बाद क्या हुआ दादाजी? उसके इतना पूछते ही उसकी दादी वहां आ गई और बोली, क्या हो रहा है यहाँ? अरे इतनी रात को तुम लोग घर के बाहर ठंड में बैठे हुए क्या कर रहे हो? तो सूजल ने कहा, अरे दादी आओ ना, आओ बैठो। देखो दादाजी हमें एक तांत्रिक की कहानी सुना रहे थे। वो तांत्रिक जो बच्चों को उठा कर ले जाता था और उनकी बलि चढ़ा देता था। तो दादी ने कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे पता है वो कहानी, मैं भी सुन चुकी हूँ। जब गांव वालों को पता चला कि वो तांत्रिक बच्चों की बलि देता है तो उन लोगों ने उसे गांव के चौराहे पर जलाकर मार डाला। तो अदिति ने कहा, अच्छा दादाजी फिर उसकी आत्मा का क्या हुआ? क्या वो अभी भी भटकती है? तो दोस्तों, आगे की कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ जो कि है एक रिपोर्टर की, और वो मिलते हैं एक प्रोफेसर से। प्रोफेसर भूत, पिशाच और भी सुपर नेचुरल एंटिटीज के ऊपर बिलीव करता है और वो एक बिलीवर होता है, लेकिन वही दूसरी तरफ जो रिपोर्टर होता है वो एक नॉन बिलीवर होता है। प्रोफेसर की कहानियां बिल्कुल रियल और खौफनाक लगती हैं, जो कि रिपोर्टर और लिसनर से ये सवाल पूछती हैं कि क्या सच में भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल होती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है आज की मेरी रिकमेंडेशन अज्ञात की, जो कि आपको केवल 8 ऐप पर सुनने को मिलेगा। तो अगर आपको मेरा पिछला रिकमेंडेशन द इंडियन पैरानॉर्मल पॉडकास्ट आपको पसंद आया था तो आप यकीन मानिए कि आपको ये सीरीज भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो सच बता रहा हूँ कि ये स्टोरी काफी ज्यादा कैप्टिवेटिंग और इंटरेस्टिंग है और इसकी स्टोरी टेलिंग तो यार सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और दोस्तों, आपको पता है कि इसमें अच्छी बात क्या है कि अज्ञात का इसी मंथ न्यू एपिसोड्स रिलीज होने वाले हैं। और दोस्तों, ये शो आपको फ्री में 8 ऐप पर सुनने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है और अगर आप चाहो तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप सर्च कर सकते हो 8 ऐप, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। पता नहीं बेटा, जहां तक मुझे पता है उसकी आत्मा को उस गांव से भगा दिया गया था, लेकिन पता नहीं वो सच में गई है या अभी भी वहीं है। मुझे वो गांव छोड़े बरसों बीत गए हैं तो मुझे अब वहां के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो सुजल ने कहा, क्या मरने के बाद भी उसने लोगों का पीछा नहीं छोड़ा? नहीं बेटा, वो कोई आम तांत्रिक नहीं था। इतनी ज़्यादा सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी उसने कि उसने अपनी आत्मा को मृत्यु प्रेत में बसा लिया, और उसके बाद जो उसने किया उसके बारे में सोच के तो मैं अब भी कांप जाता हूँ। तो सुजल ने कहा, मृत्यु प्रेत वो क्या है? मृत्यु प्रेत एक ऐसा प्रेत होता है जो रूहों का प्यासा होता है। उसे रूह चाहिए होती है लोगों की। तंत्र विद्या के जरिए मृत्यु प्रेत में अपनी आत्मा को बसाया जा सकता है। तांत्रिक ने भी वैसा ही किया। उसी प्रेत के अंदर उस तांत्रिक की रूह बस गई और वो तांत्रिक मृत्यु प्रेत को और रूह सौंपने के लिए
भयानक और घटिया काम करने लगा। मृत्यु प्रेत बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो जो चाहे कर सकते हैं, इंसानों को छू सकते हैं और साथ ही एक ही समय पर कई जगहों पर हो सकते हैं। तो अदिति ने कहा, अच्छे से बताइए ना, क्या किया उसने दादाजी? अच्छा ठीक है, तो सुनो। देखो, ये बात तब की है जब मैं सिर्फ 12 साल का था और उस गांव में अपने माँ बाप के साथ रह रहा था। हमारे घर के बगल में एक औरत रहती थी जिसका पति मर चुका था और उनकी एक जवान बेटी और 15 से 17 साल का एक बेटा था। उस तांत्रिक के मौत के बाद जब सबको लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब अचानक उस औरत के घर में अजीब सी चीजें होने लग गईं। उस औरत का नाम था मंदिका। एक रात मंदिका और उसकी बेटी गिरजा कहीं से लौट रहे थे। उनका घर चौराहे से 10 घर छोड़कर था। रात काफी हो गई थी, करीब 9 या 10 बज रहे थे। जब वो दोनों चौराहे पर पहुंचे तो गिरजा का दुपट्टा थोड़ा नीचे सरक गया और चौराहे पर जमीन पर घसीटने लगा। लेकिन गिरजा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और दोनों माँ बेटी अपने घर पर पहुंच गए। लेकिन उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि मृत्यु प्रेत के रूप में उस तांत्रिक की आत्मा उसके दुपट्टे से होते हुए उनके पीछे उनके घर चली गई। करीब 2 दिन ऐसे ही बीत गए, सब कुछ ठीक था। लेकिन 2 दिन के बाद उनके साथ बड़ी खौफनाक चीजें होने लगी। और हाँ, एक बात मैं तुम्हें बताना भूल गया कि उस तांत्रिक की नीयत बड़ी खराब थी। औरतों को बड़ी बुरी नजर से देखा करता था वो, और मरने के बाद भी उस तांत्रिक ने अपनी घटिया हरकतें नहीं छोड़ी। एक रात गिरजा अपने कमरे में आराम से सो रही थी, उसकी माँ दूसरे कमरे में सोती थी। रात के करीब 1 बज रहे थे कि तभी गिरजा को ऐसा लगा जैसे कि कोई उसके कंबल को खींच रहा हो। ऐसा उसके साथ 3 से 4 बार हुआ। पहले तो उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया और बार बार कंबल को अपनी तरफ खींचकर सो गई। लेकिन जब ये बार बार होता रहा तो वो झटके से उठ के बैठ गई। लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था, बस खिड़की खुली थी जहां से चांद की रोशनी कमरे के अंदर जा रही थी। गिरजा को ऐसा लग रहा था जैसे उसके अलावा भी कमरे में कोई है। उसे अकेले डर लगने लगा था। थोड़ी देर तक वो बैठी रही और देखती रही कि कहीं सच में तो वहां कोई नहीं है। लेकिन जब कुछ देर तक वहां कोई नहीं दिखा तो वो चुपचाप सो गई। करीब 10 से 15 मिनट के बाद उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई उसके सिर में हाथ फेर रहा हो। कभी कभार उसकी माँ ऐसा किया करती थी, इसलिए उसे एक पल के लिए लगा कि उसकी माँ वहाँ है। लेकिन फिर अचानक से उसे कुछ अजीब लगा। उसे लगा कि किसी का हाथ उसके सिर से कंधे की ओर जा रहा हो, यानी कि कोई उसे धीरे धीरे छू रहा हो। इसलिए वो डर के मारे फिर से उठ के बैठ गई। अब वो बुरी तरह से कांप रही थी, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो तुरंत उठी और सीधे अपनी माँ के कमरे की तरफ भागी। उसने अपनी माँ से कहा कि उसे अकेले डर लग रहा है, इसलिए वो उसके साथ सोना चाहती है। तो उसकी माँ ने उसे अपने साथ सुला लिया। फिर उसे अच्छे से नींद आ गई और उसे डर भी नहीं लगा। लेकिन अगले दिन उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके होश उड़ गए। वो लोग मुर्गियां पालने का काम करते थे। अगले दिन जब गिरजा सुबह उठकर मुर्गियों को दाना डालने गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि सारी मुर्गियां मरी पड़ी थी, और अजीब बात तो ये थी कि सारी मुर्गियों के सिर गायब थे। ये देखकर वो जोर से चिल्लाई और उसकी चीख सुनकर उसकी माँ और उसका भाई जीवंत तो वहां आ गए। हम सब भी वहां पहुंच गए। हम भी वो नजारा देखकर बुरी तरह से चौंक गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो काम किसका हो सकता है। काफी कोशिश की गई पता करने की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। 2-3 दिन बीत गए और हर रात गिरजा के साथ वैसा ही होता रहा। उसे हर पल ऐसा लगता था कि कोई उसे देख रहा है या छू रहा है। लेकिन हद तो उस रात हो गई जब गिरजा उसकी माँ के साथ सो रही थी।
और उसका भाई अलग कमरे में था। उस रात रात के ठीक 12 बजे गिरजा को ऐसा लगा जैसे कि कोई उसके ऊपर बैठा हुआ है और उसने उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ रखा है। इतना ही नहीं, किसी ने उसका मुंह भी बंद कर रखा था। वो चिल्लाना चाहती थी लेकिन बेचारी चिल्ला नहीं पा रही थी। उसने हाथ पांव मारने की भी कोशिश की लेकिन जिस ताकत ने उसे पकड़ रखा था वो बेहद खतरनाक और ताकतवर थी। उस ताकत की वजह से गिरजा हिल भी नहीं पा रही थी। उसकी माँ बगल में ही सो रही थी लेकिन उसे इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं लगी कि उसके साथ क्या हो रहा है। उस रात गिरजा के साथ बहुत बुरा हुआ। उस मृत्यु प्रेत ने उसके साथ दुष्कर्म किया और गिरजा को समझ भी नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। अगले दिन जब मंदिका सोकर उठी तो उसकी नज़र गिरजा पर गई और उसकी हालत देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि गिरजा के शरीर पर अजीब से निशान बने हुए थे और वो बिना कुछ बोले बस एक टक होकर छत की ओर देखे जा रही थी, मानो वो कोई जिंदा लाश बन गई हो। ये देखकर मंदिका ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। गिरजा की जांच हुई लेकिन जांच से कुछ पता ही नहीं चला। सब बहुत डर गए लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर पाया। उस रात के बाद गिरजा के साथ हर रात वो सब होने लगा। गिरजा किसी को बता भी नहीं पा रही थी कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। फिर एक दिन उसकी माँ ने जबरदस्ती उससे पूछ ही लिया कि रात को उसके साथ आखिर होता क्या है, तो उस बेचारी ने जैसे तैसे करके अपनी माँ को सारी बात बताई कि उसे हर रात कैसा महसूस होता है। वो सब सुनकर उसकी माँ दंग रह गई और तब एक और बड़ा खुलासा हुआ जिसने गिरजा को भी हैरान कर दिया। उसकी माँ ने बताया कि हर रात उसके साथ भी कोई ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करता है। उसकी माँ को भी लगता था जैसे कि कोई उसे छूने की कोशिश करता हो। तब उन दोनों को समझ आया कि जो कुछ भी हो रहा था वो कोई साधारण बात नहीं थी, उनके साथ जरूर कुछ गड़बड़ थी। उसकी माँ ने तय किया कि वो गांव के मंदिर के पुजारी जी से इस बारे में बात करेगी, क्योंकि वो काफी सिद्ध पंडित थे। उसकी माँ उसे लेकर तुरंत पंडित जी के पास गई। और हाँ, उस समय मैं और मेरे पिताजी भी मंदिर में ही थे और इसलिए मुझे ये सारी बातें पता चल गई। जब मंदिका और गिरजा ने मंदिर में कदम रखा तो बड़ी डरावनी चीज हुई। अचानक से गिरजा जमीन पर गिर पड़ी और तड़पने लगी मानो उसे कोई दौरा पड़ रहा हो। हम सब ये देखकर बुरी तरह से डर गए। तभी पुजारी जी ने उस पर गंगा जल डाला। गंगा जल डालते ही एकदम से वो तड़पना बंद कर देती है और ऐसे ही जमीन पर पड़ी रही। मंदिका ने पुजारी जी को सारी बात बताई और पुजारी जी ने सब कुछ सुनने के बाद कहा कि गिरजा के शरीर में मृत्यु प्रेत यानी कि उस तांत्रिक का वास हो गया है और वो वही उसके साथ सारी घटिया चीजें कर रहा है। तब हम उसके बारे में जानकर बुरी तरह से चौंक गए। मंदिका ने पूछा कि उससे बचने का क्या उपाय है, तो पुजारी जी ने कहा कि गिरजा को मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ले जाना होगा, वहीं उसे मृत्यु प्रेत से छुटकारा मिल सकता है। अगर ऐसा नहीं किया तो वो मृत्यु प्रेत उसके शरीर को नहीं छोड़ेगा और उसके साथ हमेशा ऐसी चीजें करता रहेगा। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि अगर उसे जल्द से जल्द उसके शरीर से निकाला नहीं गया तो वो गिरजा की रूह को अपने अंदर समा लेगा और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाएगी। फिर मंदिका ने तय किया कि वो तुरंत उसे लेकर मेहंदीपुर बालाजी जाएगी। वो उसी दिन चली गई और करीब एक हफ्ते के बाद लौटी। जब वो वापस आई तो हमें पता चला कि वो बिल्कुल ठीक हो गई है और उस मृत्यु प्रेत ने उसे छोड़ दिया है। गांव वालों को तब जाकर राहत की सांस आई। हालांकि डर तो अब भी बसा हुआ था सबके मन में, ये सोचकर कि कहीं वो वापस ना आ जाए और किसी और की जिंदगी बर्बाद ना कर दे। फिर उस हादसे के 15-20 दिन के बाद ही हमने वो गांव छोड़ दिया और हम इस गांव में आकर बस गए। हालांकि जब तक मैं वहां था तब तक वापस से मृत्यु प्रेत या उस तांत्रिक के बारे में और कुछ सुनने या देखने को नहीं मिला। तो मेरा ख्याल है कि बालाजी की कृपा से वो सच में उस गांव से चला गया होगा। तो अदिति ने कहा
अरे वाह दादाजी, सच बताऊं बहुत ही अच्छी कहानी थी। क्या आप ऐसे ही और किस्से सुना सकते हैं जो आपने अपनी आंखों से देखे हों? वैसे भी आप तो पहले एक ट्रक ड्राइवर का काम करते थे, तो हो सकता है कभी रात के सफर में आपका सामना भी किसी भूत से हुआ हो। हाँ बिल्कुल सही कहा, कई बार हुआ है। जरूर सुनाऊंगा वो किस्सा, लेकिन आज नहीं बच्चों, बल्कि सोमवार को सुनाऊंगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। तो आप लोग भी 8 एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें। तो चलिए मिलते हैं आपसे सोमवार को अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।